हमेशा हम ये सोचते हैं कि शाम में ऐसा क्या नाश्ता बनाएं जो हेल्दी भी हो और बच्चों को भी बहुत पसंद आए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मखाना बेल की रेसिपी, या फिर आप इसे मखाना चाट भी बोल सकते हैं, जो सुपर हेल्दी होने के साथ साथ ये टेस्टी भी होगी और सबको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पैन को गर्म कर लिया है। उसके बाद एक बाउल मखाना लेंगे, इसे हम लोग ड्राई रोस्ट इसी तरीके से पैन में कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें घी या तेल यूज़ करके भी इसे हम लोग फ्राई कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने ड्राई रोस्ट किया, मैं घी को बाद में यूज़ करूँगी। तो यहाँ पे जब तक लाल या जब तक जो मखाना है वो अच्छे से टूटने ना लगे, तब तक हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है। करीबन 3 से 4 मिनट लगता है और हमारा मखाना जो होता है वो रोस्ट हो जाता है। यहाँ पे हमारा मखाना रेडी हो चुका है। अब हम लोग इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और मैंने सेम पैन में 2 टेबलस्पून घी डाला है। घी को हल्का गर्म कर लेंगे, उसके बाद हम लोग इसमें मसाले डालेंगे। यहाँ पे घी में मैंने 1/2 टेबल स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर इसलिए क्योंकि इससे बस कलर आता है और ये खाने में तीखा नहीं होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 10 से 15 करी पत्ता। अगर आपके पास है तो आप डालें, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। देन उसके बाद 1/4 टेबल स्पून हम लोग इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। फिर 1/2 टेबल स्पून हम लोग इसमें डालेंगे भुनी हुई जीरा पाउडर। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है भुनी हुई जीरा पाउडर का। हल्का हम लोग इसे मिला लेंगे, मसालों को थोड़ा सा पका लेंगे। यहाँ पे सभी चीज़ों को आपको लो फ्लेम पे करना है, अदरवाइज आपके मसाले जल सकते हैं। ऑलमोस्ट हमारा मसाला फ्राई हो चुका है। अब लास्ट में हम लोग इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर। अगर चाट मसाला पाउडर नहीं है आपके पास तो आमचूर पाउडर आप डाल सकते हैं। खट्टा तीखा चटपटा सा टेस्ट आता है, इसीलिए हम लोग इसमें चाट मसाला या आमचूर पाउडर डालते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट में इसमें मखाना डालेंगे और अच्छे तरीके से मसालों के साथ मिला लेंगे। अगर आप भी सेम रोज़ एक जैसा मखाना खा के बोर हो चुके तो आप इस वाले मखाना बेल या चाट को ट्राई कीजिएगा, बहुत ही टेस्टी लगने वाली है आपको। प्लस इसमें ज़्यादा ऑयल वगैरह हम लोग यूज़ भी नहीं किए हैं। अब हम ऊपर से नमक को स्प्रिंकल कर देंगे, इसे भी अच्छे से मिला लेंगे। ऑलरेडी हमारा जो मखाना है वो रोस्ट था, बस हमें इतना मिलाना है कि जो मसाला हमने डाला है ना वो अच्छे तरीके से कोट हो जाए मखाना के साथ। तो देखिए मैंने पैन में ही इसे मिला लिया है। अब हम लोग गैस को ऑफ कर देंगे और इसे एक अलग बाउल या प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है मखाना। यहाँ पे भी आप टेस्ट करिएगा ना, मखाना बहुत ही टेस्टी लगती है, लेकिन इसमें और भी जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स है ऐड करते हैं उससे टेस्ट इसका इन्हांस मतलब दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड करने के लिए लिया है बारीक कट के हुए प्याज, खीरा, टमाटर और हरी धनिया। उसके बाद इसको डालकर हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। लास्ट में हम लोग 1-2 चीज़ें और डालेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग इस चीज़ों को सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हमने जो मसाला वाला मखाना है ना उसे आप एयर टाइट कंटेनर में फ्राई करके रख दें, देन उसके बाद जब भी आपको मन करे मखाना भेल खाने का या चाट खाने का आप निकालें उसको, उसमें प्याज टमाटर खीरा जो भी आपके फेवरेट इंग्रेडिएंट्स है चाट वाले भेल वाले वो डालें, मिक्स करें और खा लें। तो यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया, देखिए कितनी टेस्टी लग रही है। मिक्स करके हम लोग एक प्लेट में निकाल देंगे। इसके बाद इसके ऊपर हम लोग डालेंगे अनार के दाने, क्योंकि ये खट्टा हो चुका है, तीखा हो चुका है, चटपटा हो चुका है, नमकीन भी है, सिर्फ एक हल्का मीठे की कमी है, तो वो अनार के दाने से आ जाएगी। ऊपर से सजाने के लिए हम लोग इसमें डाल देंगे कुछ सेव और ये हमारी मखाना बेल रेडी हो चुकी है। तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक।